हम रहते हैं हमेशा सच के करीब। मैं विजय शंकर कौशल और आप देखिए खबरें कानपुर देहात की। भारत सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का कानपुर देहात में रायपुर सीमा पर भव्य स्वागत किया गया। गिरिराज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी माटी कार्यालय अकबरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार उपलब्धियों को पचा नहीं पा रही। मोदी सरकार द्वारा अग्निपथ जो सेना के भर्ती प्रक्रिया का ऐलान किया गया, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां नौ युवकों को बरगला रही है, भ्रमित कर रही है एवं तोड़ फोड़ कर अराजकता देश में फैलाने का काम कर रही है। अराजक तत्वों में छात्रों के अलावा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं तथा केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान जिला अध्यक्ष एवं MLC अविनाश सिंह चौहान, विधायक पूनम संखवार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी, बंसलाल कटिया, जिला महामंत्री रामजी गुप्ता, रामजीत मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख अतुल सिंह चंदेल, राम नरेश भदौया, विकास मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी आदि रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर कौशल की खास रिपोर्ट। पूर्ण रूप से एक नए अवसर हैं अधिक नौजवानों को रोजगार देने के। पहले एक नौजवान को अगर हम ले रहे थे आर्मी में, अब हमने तीन और ऐड कर दिया, चार लोगों को ट्रेनिंग देंगे, स्किलिंग होगा और फिर वो चार साल में एक मोटी रकम उनको मिलेगी और स्किल्ड हो जाएंगे, पैरामिलिट्री, स्टेट आर्म, देश के अन्य संगठन, चाहे तो आगे पढ़ाई, चाहे ITI, एक नए अवसर के लिए एक के बदले तीन और इसमें मौका दिया। लेकिन विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि चार साल के बाद क्या होगा, लेना तो एक ही कब को था। तीन को एडिशनल स्किलिंग किया गया कि इनको रोजगार के अवसर, रेडी टू रोजगार, एम्प्लॉयमेंट रेडी टू। अगर हम चार साल के पूरा ट्रेन रहेंगे तो CRPF में हमें नहीं लेगा तो किसको लेगा। जोगी जी अगर आर्म्स पुलिस PSC लेंगे तो क्या हमें नहीं लेंगे तो किसको लेंगे। अगर मैंने सोचा कि चार साल के बाद मैं जरा ITI करूं या रोजगार करूं, तो एक तो मोटी रकम मिल रहा है 12 लाख 15 लाख और फिर लोन का भी व्यवस्था है। ये मल्टी कॉर्नर से रोजगार के अवसर ये दिए गए, लेना एक ही को था। तीन को एडिशनल हमने एक चैन में डाला और आज तो प्रधानमंत्री ने जो 21 साल की आयु थी दो साल और रिलैक्स कर दिया और एक हफ्ते के अंदर, दो चार दिनों के अंदर बहाली भी शुरू हो जाएगी। विपक्ष युवाओं के कंधे पर बंदूक रख कर के गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।